दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये सौराज 744 FE ट्रैक्टर है जो कि 4 स्टार के साथ ये ट्रैक्टर आता है और बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है जो कि कंपनी ने दे रखा है। 48 HP का ट्रैक्टर था ये, अब 50 HP में आता है। इसके बोनेट की बात करेंगे तो सिंगल पीस हुड के साथ ये ट्रैक्टर आता है और साइड से खुलने वाला ये बोनेट आता है और ट्रैक्टरों के मुकाबले इसका अलग दे रखा है जो कि बिल्कुल सिंपल लुक। एयर क्लीनर की बात करें तो प्री वाथ एयर क्लीनर आपको मिलेगा जो कि स्वराज में पहले से ही ये मिलेगा आपको। और फ्रंट में आप इसके लुक की बात करें तो दो हेडलैम्प मिलेंगे आपको और फ्रंट में आपके एक जाली मिलेगी। और इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है जो कि इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है जो कि सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ही आपको मिलेगा। फ्रंट टायर आपको मिलेंगे 750/16 का, इसके अंदर फ्रंट टायर आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में कूलेंट विद ओवर रिजर्वायर के साथ ही ट्रैक्टर में आपको मिलेगा, बहुत ही बढ़िया दे रखा है कंपनी ने। और ट्रैक्टर में एल्यूमिनियम का रेडिएटर मिलेगा, काफ़ी बड़ा रेडिएटर दे रखा है। और हम इसके इंजन की बात करें, आपको इस ट्रैक्टर में 3136 CC का इंजन मिलेगा जो कि नेचुरल स्पिरेटेड इंजन है। नॉन टर्बो के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया दे रखा है कंपनी ने। ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छे सारे फीचर दे रखे हैं पहले से कंपनी ने। आप ट्रैक्टर के माइलेज में भी चेंजिंग की है और बोसिस का थ्री सिलेंडर इनलाइन पंप आपको देखने को मिलेगा जो कि सारी कंपनियां बोसिस का ही पंप देती हैं। और वाटर सेपरेटर मिलेगा, दो डीजल फिल्टर मिलेंगे और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 60 लीटर मिलेगी। ट्रैक्टर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया दे रखी है और कंपनी का लोगो मिलेगा, सिंस 1974 में ये ट्रैक्टर आया था। और आप इसकी SFC भी देख सकते हो और PTO मैक्स PTO पावर भी आपको 32.1 की मैक्स PTO पावर आपको इस ट्रैक्टर में मिलेगी। और डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है और काफ़ी स्पेस भी मिलेगा। साइड गियर तो ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा नहीं, जैसे कि सोनाली का ट्रैक्टर आपको साइड गियर मिलता है, इसमें अगर आप साइड गियर लेना चाहोगे तो मिल जाएगा। PTO इसमें CRP PTO मिलेगी आपको और 540 PTO भी आपको मिलेगी। दोस्तों ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है, चढ़ने के लिए एक पायदान भी दे रखा है। और सीट की बात करें तो फुल्ली एडजस्टेबल सीट मिलेगी आपको जो कि बहुत बड़ी और कंफर्टेबल सीट है। डैशबोर्ड की बात करें तो बिल्कुल ही सिंपल लुक के साथ ट्रैक्टर का डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जैसे कि पहले से ही कंपनी ने कोई चेंजिंग नहीं की है। डैशबोर्ड वैशबोर्ड वगैरह में कोई भी चेंजिंग नहीं की है। आपको ऑयल प्रेशर वाला मिलेगा और फ्यूल गेज भी मिलेगा इसके अंदर, टेम्परेचर, काफ़ी सारे स्विचिंग पॉइंट भी मिलेंगे, स्टार्ट की और लाइट वाला स्विच भी मिलेगा आपको, पार्किंग इंडिकेटर और इंजन स्टॉप पॉइंट भी, और देख सकते हो आप लो हाई बीम वाले और पार्किंग इंडिकेटर भी दे रखे। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है, देख सकते हो आप इसकी नोक पे भी देख सकते हो किस तरह के गियर दे रखे हैं कंपनी ने। फेंडर भी आपको बहुत बड़े मिलेंगे और स्पेस भी काफ़ी है फेंडरों में। और बैटरी टायर साइज़ आपको 1428 का इसमें मिलेगा और बड़े एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आता है, जैसे कि लोग बोल देते हैं कि बड़ी हांडी है, उसी के साथ ये ट्रैक्टर है। और पीछे से देखोगे तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा ट्रैक्टर में। एक रिफ्रैक्टर मिलेगा फ्रंट में आपको और 2 QRC कपलर मिलेंगे, जैसे कि कंप्यूटर मांझा, टिपिंग ट्रॉली, MB प्लाव वगैरह आप इससे बहुत आसानी से चला सकते हो। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सेंसिंग की बात करें तो 3 सेंसिंग पॉइंट हाइड्रोलिक के मिलेंगे और 1600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। हुक की बात करें तो एडजस्टेबल हुक मिलेगा आपको, अपने हिसाब से कैसे भी आप इस हुक को एडजस्ट कर सकते हो। हैवी लिंकेज मिलेंगे जो कि कोई कितने भी भारी उपकरण इससे उठा सकते हो। और आपको रियर एक्सल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको पता ही है इसके रियर एक्सल से तो आवाज़ आती ना है, बहुत ही बढ़िया रियर एक्सल दे रखे हैं कंपनी ने और हैवी भी दे रखे हैं पहले से। और ट्रैक्टर में आपको एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
सॉकेट भी मिलेगा जिससे आप अपने ट्रॉली या थ्रेसर वगैरह में लाइट ले सकते हो। और बैक फेंडर पर आपको एक प्लाउ लैंप भी मिलेगा। फ्रंट पर रिफ्लेक्टर जो कि रात को चलते समय ये काफ़ी आवश्यक होता है। और आपको QRC कपलर का अलग से आपको एक लीवर मिलेगा जिससे कि आप बिना हाइड्रोलिक उठाए अपने टिपिंग ट्रॉली अप डाउन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया दे रखा कंपनी ने। दो लीवर मिलेंगे आपको ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल के। ड्राफ्ट कंट्रोल से आप अपनी पोजीशन ले सकते हो कैसे आपको सेंसिंग लेनी है। और हाइड्रोलिक लॉक पॉइंट भी दे रखा है और इससे आप अपनी सेंसिंग भी घटा या बढ़ा सकते हो। ब्रेक सिस्टम की बात करें तो इसमें ड्राई डिस्क ब्रेक दे रखे है कंपनी ने। ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक भी आप इसे ले सकते हो ऑप्शनल में। फिलहाल में तो ड्राई डिस्क ब्रेक ही दे रखे हैं कंपनी ने। और दोस्तों आपको ये स्वराज 744 FE कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।